आज की हम जो जानकारी लेके आए हैं वो जो हमारा बस कपलर है या हमारे जो ब्रेकर्स हैं उनको कैसे हमें इसको ऑन या ऑफ करना है, उनमें क्या क्या हमारे जो पॉइंट लगे हुए हैं, इनसे संबंधित हम जानकारी आज शेयर करेंगे। हमारा वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा ये एक बस कपलर है, यहाँ पर ये बस कपलर है, इधर इनकमर है, इधर इनकमर है, हम देख रहे हैं दो हमारे इनकमर है, एक बस कपलर है। हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में से ये एक दो तीन हुए, इन तीन में से एक बार में हमें सिर्फ दो ही ऑन करना है, कभी भी तीन ऑन नहीं करना, ये ध्यान रखना है। फिलहाल हमारे दोनों ये ऑन है, ये भी ऑन है और ये इनकमर भी ऑन है, बीच में बस कपलर लगा है। अब हम इस बस कपलर को ऑन करके दिखाएंगे। हमने ट्राली ऑफ कर रखी है, ट्राली रेकआउट कर रखी है, इसलिए हम इस पे भी पोजीशन में है। हम इसको ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्राली रेकआउट है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। एक एक करके पहले इसकी जानकारी शेयर करते हैं। इनकमर पैनल है, इनमें देखेंगे लगा हुआ है ट्रिप सर्किट हेल्दी। ये जो ट्रिप सर्किट हेल्दी है, इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं। ऊपर देखिए ये येलो कलर का जल गया है, इसका मतलब ये है जैसे हम दबा रहे हैं ट्रिप सर्किट हेल्दी दिखा रहा है। यहां से अगर हम इसे प्रेस कर देंगे तो ये ब्रेकर को ऑफ कर देगा। और मैंने ये बताया था यहां से लॉक लॉक करने का है, ये पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि ये लॉक का है, यहां से लॉक कर देते हैं तो ये काम नहीं करता है। यहां पर इस वाले इधर वाले ब्रेकर में हम ये चीज दिखाएंगे, ये है जिसको हम यहां से अगर हम इसे इस समय ऑन करेंगे तो देख रहे हैं कि ऑन हो गया, ये पता चल रहा है ऑन हो गया, हम यहां से इसको, लेकिन हम देख रहे हैं इससे अगर हम लॉक कर दें तो ये ऑन नहीं होगा। कैसे? ये मैंने लॉक कर दिया, यहां से देख रहे हैं लॉक पोजीशन में पहुंच गया, और यहां से हम करेंगे तो ये देखेंगे ये अब ये काम नहीं करेगा। इसको हम जैसे लोकल पोजीशन में लाएंगे ये यहां से काम करेगा, ऑन हो गया, अब ये ऑन है। इसके बारे में बताया मैंने, अब हम बता रहे हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं ये कितने पॉइंट लगे हुए हैं। एक है यहां पर ट्रिप सर्किट हेल्दी, यहां से देख रहे हैं ये ट्रिप सर्किट हेल्दी है। यहां पर देख रहे हैं डीसी फेल अलार्म, एसी फेल अलार्म, इमरजेंसी ट्रिप। यहां से हम देख रहे हैं जब हमारी डीसी फेल होगी तो ये वाला अलार्म को ऑफ करने के लिए इसे हमें प्रेस करना पड़ेगा। अगर हमारी एसी फेल होती है तब भी अलार्म बोलेगा, इसको हमें यहां से प्रेस करना पड़ेगा तब ये बंद होगा। अब हम ट्रिप सर्किट हेल्दी को यहां से चेक कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे ये इसका जो इंडिकेटर है वो देखिए ऑन हो रहा है, जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूं ये पता चल रहा है कि हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है। अब बात हम करते हैं कि इसमें एक इमरजेंसी ट्रिप है, यहां इमरजेंसी ट्रिप एक ये है, एक यहां पर भी इमरजेंसी ट्रिप है। ये यहां से ऑन को हम ऑफ कर सकते हैं इसके थ्रू, तो ये वाले को हम कभी भी रॉड को लगा करके कर सकते हैं, दूसरा में यहां से कर सकते हैं। यहां से कैसे करेंगे? यहां से हमने इसे प्रेस किया, यहां से हम देखें यहां से तो ऑन ऑफ करी, ये ऑफ हो गया, यहां से ये ऑफ हो गया। अब हम इससे करते हैं, इसको हम जरा सा प्रेस करेंगे और ये प्रेस कर देंगे, अब ये जो है ट्रिप हो गया, इसे इमरजेंसी ट्रिप कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं साथ ही साथ लॉक भी हो गया है, ये इस कंडीशन में लॉक हो गया। यहां से जरा पास से दिखाइए, यहां देखेंगे ये लॉक हो गया, अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये लॉक हो चुका। इसका लॉक हटाने के लिए हमें यूं रोटेट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हल्का सा छोड़ देंगे, ये थोड़ा आउट हो गया। अब ये क्या हुआ, ये जो है इसने लॉक हट गया। ये इमरजेंसी किस तरह से काम करता है, इमरजेंसी यहां पर भी लगा है, इमरजेंसी इधर दिखाई, ये भी देखिए इमरजेंसी लगा हुआ है, ये भी इमरजेंसी ट्रिप है, इस पर भी काम करता है। इमरजेंसी ट्रिप यहां भी लगा हुआ है, नीचे देखेंगे रॉड से भी कर सकते हैं, ये भी इमरजेंसी ट्रिप। लेकिन ये इमरजेंसी, ये इमरजेंसी, ये इमरजेंसी, तीनों में डिफरेंस है। ये जो बस कपलर का जो इमरजेंसी ट्रिप है, उस इमरजेंसी ट्रिप को हमें एक बार अगर मैंने ये प्रेस कर दिया फिर ये इसको लॉक कर देता है, और लॉक जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूं, अब हम यहां से करेंगे तो ये जो हमारा स्विच है ट्रिप और क्लोज वाला, ये काम नहीं करेगा। इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो हमारा इमरजेंसी वाला है, ये लॉकर है, ये लॉक का भी काम करता है, ये जो है लॉक यहां से हम कर दे रहे हैं, ये लॉक कर रहे हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसमें और इसमें अगर बात करें तो ये भी यहां से भी बंद कर सकते हैं, इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ी, जब हम यहां से ट्रिप कर सकते हैं तो इसको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम इसको लॉक कर देंगे, इसको रिमोट पे कर देंगे, ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये काम करेगा। और कैसे करेगा इसके बारे में अभी देखिए, हम इसका लॉक हटा दे रहे हैं, ये मैंने लॉक किया था, अगर इसको ऑन कर दें या ऑफ कर दें, ये मैंने ऑन, एक बार ऑन किया,
जैसे ही हम इसको करेंगे तो इसको, ये भले ही लॉक है ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये काम करेगा। ट्रिप कर दिया तुरंत, ये काम करेगा, ऐसे ये भी काम करेगा। ये जो इमरजेंसी है वो इस लॉक पर भी काम करेगा, ये अगर लॉक है तब भी ये और ये दोनों काम करेंगे। एक और खास बात, अब ये लॉक हो गया है, अब इस कंडीशन में जब ये लॉक हो जाएगा, चाहे हम यहां से लगाएं खोल करके, मतलब मैनुअल लगाएंगे, तब भी ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी ट्रिप का जो लॉकर है वो लॉक है। जब तक हम ये लॉक नहीं हटाएंगे ये यहां से भी नहीं लगेगा, और अंदर से हम मैनुअल लगाएंगे तब भी काम नहीं करेगा। ये इसकी खास विशेषता है। एक और बात, मैंने ये कहा कि ये क्यों लगाना पड़ा, जब हम यहां से कर सकते हैं तो इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ी। इसकी लगाने की जरूरत है, इसको हम उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो ब्रेकर है उसको हमें ट्रिप करना हो बिना छुए, हाथ से नहीं छूना है, तब भी हम यहां से और यहां से लगा सकते हैं। अगर इससे करेंगे तो हमें हाथ से छूना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें छूने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य रॉड के थ्रू ये ऑन हो गया। इमरजेंसी ट्रिप हम दूर से कर सकते हैं, दूर खड़े होकर, थोड़ा दूर से दिखाएंगे तो देखिए, हम यहां से बिना पैनल को छुए हुए, बिना ब्रेकर को छुए हुए ट्रिप कर, ऐसे ही यहां पर बिना ब्रेकर को छुए। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इसके जो बाहरी जो पार्ट्स है, बाहरी जो बॉडी है, उसमें कभी करंट फ्लो हो रहा होता है, उस कंडीशन में हमें ट्रिप करने की जरूरत पड़ जाए तो हम बिना छुए करेंगे, तो हमें इससे करना पड़ेगा, किसी रॉड के थ्रू दूर से खड़े होकर के इस तरह से ट्रिप कर सकते हैं। ये लॉक हटा देंगे और हम यहां देखिए, ये जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, ये मेन मकसद है इस लॉक और इस इमरजेंसी ट्रिप को लगाने का। अगर यहां से काम नहीं कर रहा है, किसी अन्य मेथड से काम नहीं कर रहा है, ये इमरजेंसी ट्रिप तत्काल काम करेगा, और ये यहां से इस रॉड के थ्रू भी, यहां से इन करके इस रॉड के थ्रू भी ट्रिप कर सकते हैं, इसीलिए लगाया गया। तो हमें ये ध्यान रखना, कभी भी ऑन करने से पहले इस ये जो इमरजेंसी ट्रिप का जो लॉक है उसको हटाना पड़ेगा, तभी ये ब्रेकर ऑन होगा, चाहे मैनुअल कर रहा हो, चाहे हमारा ये इसके पॉइंट के थ्रू करना हो, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना है कि अगर ये लॉक है तो ये काम नहीं करेगा, लॉक हट जाएगा। इसको राउंड मतलब घुमाएंगे, किधर घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इधर को घुमाएंगे, बाहर हो जाएगा, ये काम करेगा। ये इसका इमरजेंसी ट्रिप का मकसद है इस पैनल में लगाने का। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे पैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।